प्रज्ञ गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः गुरवे नमः ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः भाद्र महीना पूरा हुआ और आश्विन का महीना आशोज का महीना शुरू हुआ और इधर कलकत्ता या पूर्वांचल और इधर दक्षिण चेन्नई आदि से लोगों का प्रवाह शुरू हो गया। कहीं पूजा की छुट्टी होती है, कहीं और छुट्टियां होती है, कहीं विद्या कॉलेज की, तो एक अवसर है कि बहुत लोग अपने परिवारों को लेकर बच्चों को लेकर आ रहे हैं। मेरे मन में ये प्रश्न बहुत बार उठता है, मैंने लोगों को कहा भी क्यों आते हो, देवता के वहाँ जाते हैं तो कोई मांग लेकर जाते हैं कि हमारी दुकान अच्छी चले, हमें धन ज़्यादा मिल जाए, सफलता मिल जाए आदि आदि, तो हम तो धन को छोड़ने की बात कहते हैं, तो वह तो आपको यहाँ कैसे मिलेगी। हम तो त्याग करो, संयम करो, भोग कम करो, तो ये बात कहते हैं तो दोनों बातें मिलती नहीं हैं, तो फिर क्यों आते हैं। और आने वालों को भी क्या समझना चाहिए, उनका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, आखिर समाधान भी मुझे प्राप्त है। मैं बताता भी हूँ कि जब दूसरों को देखते देखते थक जाओ तो यहाँ आकर अपने आप को देखना सीखो। जब सारे कोलाहल में सुनते सुनते थक जाओ तो यहाँ यह अशब्द की कला सीखने को यहाँ आओ। कभी हम शब्दातीत कुछ कोलाहल के बिना अच्छा जीवन जी सकते हैं। पता है कि जब कोई ज़्यादा तनाव में होता है, हम कहते हैं कि सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का प्रयोग करो, और जब वह उसका प्रयोग करता है 5 मिनट में ऐसा लगता है कि तनाव तो कुछ है ही नहीं, और ऐसा लगता है कि 3 घंटा आराम करके उठाऊं, विश्राम करके उठाऊं, क्योंकि सारा तनाव, सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हमारी इंद्रियों से पैदा होती है। हम दिन भर देखते रहते हैं, दिन भर सुनते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अभी एक कोई यात्री था, उसने परिवार वालों ने बताया, छोटी बच्ची साथ में, कि यह 8 घंटा टीवी देखती, तो अब इतना देखते हैं तो दिमाग तो खराब होना ही है और तनाव भी होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम बाह्य जगत को देखेंगे, सुनेंगे या भोग करेंगे, उतना ही तनाव पैदा होगा। तो एक धर्म की कला, अध्यात्म की कला यह है कि जितना आवश्यक है वह तो तुम इंद्रिय जगत में जियो, पर 24 घंटा इंद्रिय जगत में मत रहो, कभी इंद्रियातीत चेतना का भी अनुभव करो, इंद्रियों से परे भी रहो। आधा घंटा ध्यान करो, आंख को बंद कर लो तो बाहर को देखना बंद हो जाएगा, और फिर संकल्प करो भीतर देखने का तो दिशा बदल जाएगी। जो बाहर की ओर दिशा थी वह अब भीतर की ओर दिशा हो गई। बहुत कोलाहल है और आजकल तो
ये बड़े शहरों में तो इतना चलता है कि सीमा भी नहीं है। तो बस सीधा उपाय है, दोनों कानों में दोनों अंगुलियां डालकर 10 मिनट बैठ जाओ और एकदम शांति। जो प्रदूषण है, यानी शब्द का भी बड़ा प्रदूषण है, ध्वनि का प्रदूषण भी खतरनाक होता है। जहाँ ध्वनि का बहुत प्रदूषण है, आदमी बहुत सारे जल्दी बहरे भी हो जाते। तो हम बाह्य समस्याओं से कैसे निपटें और कैसे निजात पाएं, यह भी हमें सोचना है। तो संयम, आँख का संयम, कान का संयम, और तीसरे में जीभ आती है, जीभ का संयम, यह भी बहुत जरूरी है। आजकल के भोजन की कथा सुनता हूँ और पढ़ता हूँ तो लगता है कि आदमी जानबूझकर बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है। ऐसा भोजन होता है और ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली है। आज हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, अल्सर आदि आदि, आगे कैंसर की बात छोड़ भी दूं, बहुत सारी बीमारियां अगर कोई ठीक विश्लेषण करे और आज के हिसाब से देखें तो उसमें भोजन का कितना बड़ा हिस्सा है। जो व्यक्ति घर की दाल रोटी को पसंद नहीं करता और फास्ट फूड को पसंद करता है, अब जितना ज़्यादा मैदा खाएगा, जितना ज़्यादा नमकीन चटपटी चीज़ें खाएगा तो हार्ट पर भी असर होगा और भी बीमारियां होगी, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। तो जीभ का संयम, जीभ का भी संयम करना सीखें कि अनावश्यक न खाएं और वैसे द्रव्य न खाएं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर होते हैं। आज से लगभग 60 वर्ष पहले मैं प्राकृतिक चिकित्सा के अध्ययन का अध्ययन भी कर रहा था और मैंने प्रयोग भी किया था। तो उस समय मैंने पढ़ा कि अगर स्वस्थ रहना है तो मावा, मैदा, जो आंतों को चिपकने वाली है मैदा, ऐसी चीज़ें नहीं, हमारा भोजन दूसरा होना चाहिए। अब आज भी उसके बाद निरंतर यह पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि जिसमें फाइबर हो वह भोजन ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद होता है, फाइबर नहीं है वह चिपक जाता है और फिर आते ही समस्याएं पैदा करती है। तो जीभ का संयम, आँख का संयम, कान का संयम और जीभ का संयम, ये तीन सज जाते हैं तो फिर यह घ्राण और स्पर्श का संयम भी अपने आप सज जाता है। ये तीन हमारी बड़ी समस्याएं हैं। तो मैंने अनुभव किया और बताने का प्रयत्न भी किया, आज भी बता रहा हूँ कि यहाँ जो भी आते हैं वे जीवन की कला सीखें, साथ में स्वास्थ्य की कला भी आती है, तनाव मुक्ति की कला भी आती है और समस्याओं से मुक्ति की कला भी आती है, कुछ सीखें। फिर वही सब दोहरा दूं कि बाह्य जगत में रहते रहते बहुत कुछ सीखा है, पर जब तक भीतर के जगत में नहीं जाएंगे
तब तक शायद बहुत शून्य हो जाएगा। एक समय था कि विज्ञान दर्शन को अस्वीकार कर रहा था, केवल साइंस और फिलोसॉफी को अस्वीकार कर रहा था, किंतु अब वह समय आ गया कि बड़े बड़े वैज्ञानिक वे कह रहे हैं कि अब साइंस की सीमा हो गई, अब तो हमें दर्शन में जाना होगा, चेतना को समझे बिना कोई समस्या का समाधान नहीं है। दुनिया के बड़े वैज्ञानिक, राज के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वूम, उनका एक लेख मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा था। ऐसा लिखता है कि वह बड़ा साइंटिस्ट है, आज का प्रसिद्ध साइंटिस्ट है, वह लिख रहा है, कोई अध्यात्मिक आदमी लिख रहा है, सारी अध्यात्म की बात उसमें आ गई। और ये निश्चित है कि हमारा जगत जैन दृष्टि से देखें तो पुद्गल का जगत और चेतना का, आत्मा का जगत, दो पदार्थ हमारे सामने, जीव और अजीव। जीव चेतना का जगत, अजीव है और भी है, पर पुद्गल का जगत सामने है, पुद्गल का जगत दो हमारे सामने हैं। हम केवल पुद्गल जगत में ही रहें, सबकी खोज, सब कुछ वहाँ चले, कोई समाधान नहीं होगा जब तक चेतना के जगत के साथ उसका संबंध न जोड़े और चेतना के द्वारा उसका समाधान न खोजें। जो पुद्गल जगत से पैदा होने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान न खोजें तो तब तक कुछ नहीं होगा। तो आज तो चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, बहुत सारे आज तो युवक, बहुत सारी कन्याएं, युवतियां आती हैं, कहते हैं कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, कोई CA कर रहा है, इतनी शाखाएं हैं, सब में कर रहा है। कहिए तो ठीक है, आजीविका के लिए तो ठीक है, पर जीवन का लक्ष्य कोई आजीविका नहीं है, बस एक जीवन का एक पक्ष है, कभी उसके बिना काम नहीं चलता, किंतु दूसरा पक्ष है जीवन, अपना जीवन, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना और अपना ज्ञान करना, अपने अस्तित्व तक जाना, यह तो दूसरा पक्ष है। जब यह नहीं मिलेगा तो पढ़े लिखे आदमियों को मैंने देखा है मेजर डिप्रेशन, टेंशन और ज़्यादा इमोशनल टेंशन, इनसे घिरा हुआ देखा है। कितने हमारे पास भी आते हैं। एक बार हम लोग दिल्ली से बिहार कर हरियाणा से आगे आ रहे थे और अध्यात्म साधना केंद्र में प्रेक्षा ध्यान का शिविर था और हृदय रोग पर शिविर था, वह खास हृदय और प्रेक्षा। तो वे सब शिविर समाप्ति पर हमारे पास आए, रास्ते में तुसाम के आसपास जब हमारे पास आए, मैंने सबको पूछा कौन कौन है, तो उनमें 10 तो डॉक्टर थे हृदय रोगी। तो मैंने कहा आप तो डॉक्टर हैं, आप हृदय रोगी कैसे? जो दूसरों की चिकित्सा करने वाला आप कैसे? तो ये समस्या सबके लिए समान है। जो व्यक्ति अपनी चेतना के जगत में नहीं जाता, वह कोई भी हो, आंतरिक समस्याओं से उलझ जाता है, घिर जाता है। इसलिए ये आने का उद्देश्य यह बनाएं कि हमें अपने आप को समझने के लिए वहाँ जाना है, अपना ज्ञान करना है, अपनी चेतना को समझना है और चेतना के द्वारा बाह्य जगत में पैदा होने वाली समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और वे समस्याएं कैसे सुलझ सकती है, इस लक्ष्य को लेकर आए। और आज के जो नवयुवक जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको केवल प्रोफेशन में ही न लगाएं, उसके साथ साथ या उससे पहले या तो अध्यात्म की ट्रेनिंग दे, महीना दो महीना उनको समझाएं, या फिर बार बार संपर्क में आए, या कुछ साहित्य पढ़ें जिससे उन्हें पता भी चले कि एक जीवन का दूसरा पक्ष है, केवल एक ही पक्ष नहीं है, केवल अर्निंग ऑफ मनी नहीं है, उसका दूसरा भी पक्ष है, ये बात समझ में आ जाए। तो मैं मानता हूँ कि इतने लोगों का
यह आना सार्थक है। मंदिर में जाते हैं तो छुट्टी मिल जाती है, बस एक बार धोख दी और छुट्टी हो जाती है, किंतु यहाँ तो एक लोग बात करना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं। अब परिचय है, कल कोई एक कन्या थी, शायद 15 वर्ष की होगी, और बैठी रही। दो मैंने क्यों बोलो क्या बात है, कि बस बात यही है कि बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी इसलिए आ गई। भाषा ही जानते तुम्हें, ठीक है, पर यहाँ आकर मिलकर क्या करोगे? यहाँ कोई धोख तो लगती नहीं है, यहाँ तो आकर कुछ सीखा जाए, चाहे आधा घंटा 10 मिनट भी कुछ ऐसी बात सीख ले जो जीवन को कल्याण में ले जाए, जो जीवन अंधकार में जाता है प्रकाश में ले जाए, और जो केवल केवल पौद्गलिकता में और केवल भौतिकता में जाता है उसे त्याग और संयम में ले जाए, बस यह कला आ जाए तो मानता हूँ यह आना बहुत सार्थक होगा। तो आने वाले भी ध्यान दें और छोटे बच्चों को भी प्रारंभ से ये संस्कार दें, जिससे वे एकांगी जीवन न जिए, दोनों पक्षों को समझें, कभी कमाना जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, और जीवन को समझना बहुत सारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है। ये दोनों बातें समझ में आए तो शायद यहाँ आना बहुत सार्थक होगा। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।